जय गणेश आय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगला मुख। क्लास टेंथ के लिए आज सेकंड क्लास है केमिकल रिएक्शन का। फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिए थे, क्या बहुत चीज आपको आता रहा होगा, ठीक है। सेकंड में भी फिर हम लोग बाउंड्री ही बांधेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन जितना चीज आपको हम बोले थे कर लेने के लिए उतना कर लिए होइएगा, तब तो काम आसान होगा, ठीक है। और नहीं तो सालों भर रोते रहिएगा, नहीं समझे, नहीं हुआ, अंत में जाकर के एनसीईआरटी का 2, 4, 5, 10 रिएक्शन याद कर लीजिएगा, एग्जाम पास कर लीजिएगा, लेकिन फिर 11th में जाके रोना होगा, समझ गए। इसलिए बार बार कहते हैं अभी जो टाइम लगे सो लगा के आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको वैलेंसी भी कहे थे याद करने के लिए, वैलेंसी याद कर लिए होइएगा तो आज आपको हम कुछ कंपाउंड देंगे बनाने के लिए, ठीक है। कुछ कंपाउंड का नाम लिख देंगे और आपको कंपाउंड बनाना होगा, ठीक। आप सोचिएगा कि आप बनाइएगा, हमको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ना एक दिन हम टेस्ट लेंगे, ठीक है, और आपसे आंसर लेंगे, तब तो पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़े या नहीं पढ़े, कितना बोले, उतना काम किए कि नहीं किए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। पिछला दिन हम लोग पढ़े थे कि रिएक्शन के लिए कौन कौन फैक्टर जरूरी था, तो एक फैक्टर तो बता दिए थे क्लोज कॉन्टैक्ट, नहीं, और दूसरा फैक्टर में जाकर के हम लोग रुक गए थे, उसको आगे दिन के लिए छोड़ दिए थे, नहीं तो आज आगे दिन क्या आज हमको करना है, दूसरा चीज, दूसरा फैक्टर था कि सप्लाइंग एनर्जी, पहला था क्लोज कॉन्टेक्ट और दूसरा था क्या था, सप्लाइंग एनर्जी। तो इसको एक एग्जांपल ऐसा लो, कहेगा कि सर हम ही को कह रहे हैं, कि तुमको नहीं कह रहे हैं, जनरल जो स्टूडेंट में होता है सो बता रहे हैं। मान लिया जाए कि किसी बच्चा को पढ़ना है, गार्जियन पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो किताब कॉपी खरीद के देंगे, स्कूल कोचिंग में जाके रख देंगे, पढ़ेगा तो वही ना। तो क्लोज कॉन्टेक्ट में माने स्कूल में नाम लिखा दिए, कोचिंग में नाम लिखा दिए, बच्चा पढ़ने लगा, हो गया, कॉन्टेक्ट में आया, बच्चा पढ़ने लगा। कुछ बच्चा क्या होता है कि वहां भी जाने के बाद नहीं पढ़ेगा, नहीं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा कि नहीं, उसको टीचर को भी समझाना होगा, गार्जियन को भी समझाना होगा, समाज को समझाना, समाज तब समझाने से रहा, समाज को अपने अपने से मतलब है, दूसरा से कोई मतलब नहीं है, दूसरा कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं। कुछ आदमी कहते भी हैं गलत को गलत, तो गार्जियन उसी पर जो है सो प्रहार कर देते हैं, ठीक है। इसलिए तो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, गार्जियन को ही करना पड़ेगा, टीचर का भी हाथ बांध दिया है CBSE, डांट भी नहीं सकता है, मार भी नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक, तो गार्जियन को ही करना होगा, तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या लगाएगा, उसको समझाएगा, क्या डांटेगा, घर पर जितना तक हो कि उस पर प्रेशर बनाएगा, यही सब क्या हुआ, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो वही एक्स्ट्रा एनर्जी के बारे में अभी हमको पढ़ना है कि रिएक्शन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी क्या क्या है और कैसा कैसा रिएक्शन बनेगा, ठीक है। अब आइए अपने टॉपिक पर, अब बोर्ड के पास आ जाइए। ठीक है, आपका टॉपिक है आज का क्या, आज का टॉपिक है आपका, फिर हम लिखेंगे नहीं, जो रिएक्शन होगा वो लिख देंगे, ठीक है, जो रिएक्शन होगा वो लिख देंगे सिर्फ, और
बोलने वाला हम क्या करेंगे, बोल देंगे तो थोड़ा समय बचेगा। जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बंगाल। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन, एक पढ़ लिए थे क्लोज कॉन्टेक्ट, दूसरा है ठीक है। तो इनर्जी कितने टाइप का, इनर्जी को एक ही टाइप का तो नहीं, बहुत टाइप का ना। दूसरा था आपका बाय सप्लाइंग इनर्जी, उसमें पहला आया है ठीक है, पहले हम समझा देते हैं आपको ठीक है, उसके बाद रिएक्शन लिख लिख करके बता देंगे ठीक है। पहला है आपका हीट, रिएक्शन है, वैसे कॉन्टेक्ट में लाए रिएक्शन नहीं हो पाया ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए उसमें एक्स्ट्रा हीट दिए तब जाके रिएक्शन हुआ ठीक है। तो इसके लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं N2+O2, लिखिए N2+O2, दिखा दे रहा है लाइट आ रहा, फिर लाइट आ रहा है अब ठीक हुआ। N2+O2 क्या हो जाएगा, 2NO। कैसे हुआ, क्योंकि इसमें हम 300 डिग्री सी क्या दिए, हीट दिए ठीक है। वैसे यदि हम छोड़ देते, ये नहीं देते तो रिएक्शन नहीं होता, ये बच्चा नहीं पढ़ता ठीक है। हीट दिए तब जाके ये रिएक्शन हुआ। अब आ जाइए दूसरा भी लिख लीजिए 2, क्योंकि जितना रिएक्शन आप लिखिएगा उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा नहीं। 2 PB3O4, PB3O4 डेल्टा, ये किसका साइन है, ये जो ट्रायंगल का साइन देखते हैं डेल्टा, किसका साइन है, हीट का। बराबर क्या आ जाएगा, 6 PbO+ कितना, O2, 6 PbO+ कितना, O2 हो गया। अब आ जाइए ये क्या था, बाय हीट, बाय हीट इनर्जी। अब आ जाइए दूसरा में, बाय लाइट इनर्जी, लाइट से भी रिएक्शन होगा, एक रिएक्शन था बच्चा से जानते आ रहे हैं नहीं, आप नहीं जान रहे हैं क्या, सब जान रहे हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आप भी हम भी सब आदमी उसी से जिंदा है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन कहां से मिलेगा, क्या पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो भोजन कहां से मिलेगा। चलिए बाय लाइट इनर्जी, तो लाइट इनर्जी का एग्जाम्पल देना है, जैसे 3O2 चेंज हो जाएगा 2O3 में, 3O2 किस में चेंज हो गया, 2O3 में, और यह जो रिएक्शन है यह रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन है, कौन रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन, ये जो साइन देख रहे हैं दोनों तरफ एरो, यह रिवर्सेबल रिएक्शन का साइन ठीक है। अब आ जाइए तो लाइट इनर्जी में क्या दिए, अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसमें क्या दिए हैं आप, अल्ट्रा वायलेट लाइट ठीक है, तब जाके आपका क्या बन गया, 2O3। एक दूसरा ले लीजिए H2+Cl2, क्या बन जाएगा, 2HCl, H2+Cl2 क्या हो गया, 2HCl, ई सनलाइट में भी हो जाएगा ठीक है। इसका काम क्या है, इस सनलाइट में भी रिएक्शन करके ही, लेकिन लाइट लिया ना, इनर्जी कहीं से लिया ना, डार्क रूम में नहीं होगा
ठीक है, टू एच सी एल हो गया। एक ठो आपको आता ही है फोटोसिंथेसिस, नहीं एक आपको तीसरा फोटोसिंथेसिस आ रहा है, उसको हम छोड़ते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा, हीट एनर्जी से हो गया, लाइट एनर्जी से हो गया, अब मेरा है अगला एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हैं आप, नहीं विद्युत विच्छेदन, क्या नाम है उसका, विद्युत विच्छेदन इलेक्ट्रिसिटी के कारण टूटता है, क्या टूटता है, वाटर का मॉलिक्यूल्स 2H2O। ठीक है, तो 2H2O टूट करके क्या बना लेगा, 2H2 क्या बनाएगा, 2H2 अब प्लस क्या, O2। ये 2H2 जो चला गया ये किस पर, कैथोड पर, O2 जो चला गया वो किस पर, एनोड पर, कैथोड एनोड जान रहे हैं। ठीक है, और यहां पर क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी लिखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी किसे कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया। अब आ जाइए फोर में, ठीक है फोर में आ जाइए, ड्यू टू प्रेशर, किसके कारण, प्रेशर के कारण, ये भी एक एनर्जी का ही ना फॉर्म है कि नहीं है, प्रेशर भी तो एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है, प्रेशर में आइए, तो प्रेशर कहता है N2 plus 3H2 बराबर क्या होगा, 2NH3 इज इक्वल टू 2NH3। इसमें क्या क्या लगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर, कितना लगा 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और साथ साथ इसमें Fe कितना 450 डिग्री सी, यह लिखना होगा आपको, हो गया प्रेशर के कारण। अब आ जाते हैं हम लोग कैटलिस्ट, अब क्या काम है कैटलिस्ट का, चार तक हो गया, फाइव में कैटलिस्ट क्या होता है कि अपने यूज नहीं होता है, उसका यूज नहीं होगा, उसका काम है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना और घटाना दोनों, क्योंकि दो टाइप का कैटलिस्ट होता है, एक हो जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना पॉजिटिव, और रेट ऑफ रिएक्शन को घटाना क्या हो जाएगा, निगेटिव कैटलिस्ट। जैसे मान लीजिए तुम लोग दो सहेली है, ठीक है दोनों में दोस्ती है, ठीक है, और कोई तीसरी लड़की है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी कारण अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या करेगी, चुगली, चुगली समझती है ना, वही चुगली है एक हिसाब से कैटलिस्ट का काम। एक चुगली आए वो तुमको कह देगी, जानती हो वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बात कर रही थी, हो गया तुम गुस्सा गए, और उसको कहेगी, जानती हो वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बात कर रही थी, हो गया दोनों में झगड़ा हो गया, वो कैटलिस्ट आराम से अपना बैठा हुआ। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव कैटलिस्ट, माने झगड़ा को बढ़ाना। ठीक है, निगेटिव कैटलिस्ट कहिएगा झगड़ा को घटाना, माने रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को क्या करना, कम करना रिएक्शन के रेट। ठीक है, अब दोनों में झगड़ा है मान लो, ठीक है, और कोई दूसरा है, दूसरी लड़की है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि झगड़ा है दोनों में, दोनों सहेली में, वो आके मान लीजिए दोनों में गुस्सा है, तुम लोग अलग अलग है, वो आके उसको कहेगी, जानती हो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा बात सब कह रही थी, तुम बहुत अच्छी है, वो है, उसको भी ऐसा ही बात जाके कह देगी, तो दोनों में क्या होगा, दोस्ती हो जाएगा क्या। चलो कैटलिस्ट, ये हम कैटलिस्ट के बारे में बता रहे थे आपको, एग्जाम्पल ले दिए, 4NH3 4NH3 प्लस 5O2 ठीक है 4NO
NO प्लस 6H2O, दिखा दे रहा है 6H2O, ठीक है। इसमें कैटलिस्ट का काम पीटी करता है, पीटी का मतलब प्लेटिनम, पीटी का मतलब प्लेटिनम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 78, प्लेटिनम, ठीक है। और साथ साथ टेम्परेचर है इसमें 800 डिग्री सेल्सियस, कैटलिस्ट भी हो गया। अब आ जाइए छठा, छठा है आपका साउंड एनर्जी, ऐसा भी रिएक्शन होता है कि साउंड से ही रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, साउंड के कारण। क्या है भाई साउंड के कारण कौन होता है, एसिटिलीन, इसका नाम है एसिटिलीन, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड में C2H2, सिर्फ साउंड से, ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा 2C प्लस H2 हो गया। ये था आपका पिछला दिन का जो छूटा हुआ था, वो देखे 15-16 मिनट हो गया, वो दिन तो नहीं जाता, ठीक। अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट पर, क्लियर है पूरा, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट पर, अगला पॉइंट है मेरा कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन केमिकल इक्वेशन से पहले मेरा विचार है कि आप कुछ कंपाउंड बना लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ कंपाउंड जो आप बना लेते हैं बहुत अच्छा बात है, आपको आता है आप 5 मिनट में बना लीजिएगा, नहीं आता है प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी आप कंपाउंड बनाने नहीं आएगा तो आप रिएक्शन कैसे कीजिएगा। इसीलिए इसको हम 3 स्टेज में बांट दिए, एक तो कंपाउंड बनाइए, एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा दिन रिएक्शन देंगे, इक्वेशन देंगे, उसको कहेंगे बैलेंस कीजिए, है ना, 10, 20, 25, 50, 100 रिएक्शन को बैलेंस करने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताएंगे, तो उसमें 25-30 रिएक्शन आ जाएगा, नहीं, इस प्रकार से आपके पास 100-200 रिएक्शन हो गया रहेगा। तब हम आपको लेके आएंगे किसमें, रिएक्शन में, कि अब आप रिएक्ट कीजिए, ठीक है। तो अब आपका अगला पॉइंट क्या है, कंपाउंड बनाना, कंपाउंड का नाम लिखना, क्या लिखना है, कंपाउंड का नाम लिखना है। हम आपको वर्ड में लिख देते हैं और आप उसको सिंबल में लिखिए, ठीक है। राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, या राइट द सिंबल, राइट द फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्यों, क्योंकि आपको बैलेंस ही कहते याद करने के लिए, ठीक है। जैसे है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, लीड फॉस्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फाइड, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम
कार्बोनेट, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, लीड नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, लीड सल्फेट। ठीक है, इतना जो है सो पहले आप बनाएंगे, ठीक है, इतना जब बना लीजिएगा, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जो बचा खुचा है सो लिख लीजिए। टाइम हो गया, टाइम भी हो गया, ठीक है, चलिए तब, जय मां बंगला मुखी।